यथोचित जवाब देने में सक्षम है। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। प्रधानमंत्री के बयान के बाद चीन में हड़कंप मचाया। उसने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया तो चीनी जनता ने अपनी आर्मी पर सवाल उठाते हुए कह दिया, टिकटॉक का वीडियो बना सकते हैं, भारत से लड़ नहीं पाओगे। आखिर कैसे चीन में हड़कंप है ये तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही ताइवान ने भी चीन को कहीं का नहीं छोड़ा ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। मोदी के बयान के बाद चीन की सरकार में हड़कंप समझा है। इधर बैठ के चल रही थी तो उधर चीन की धड़कनें बढ़ी थी। मोदी का बयान आए कुछ ही देर हुए थे कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री पर फोन मिलाने शुरू कर दिए और शांति से बैठक करने की मांग करने लगे। पर चीन ऐसे मानने वाला कहां है। बयान के अगले ही दिन सुबह सुबह चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गंदी हरकत कर दी। जरा पहले उसकी हरकत देखिए, वो युद्ध अभ्यास की वीडियो डाल रहा है, वो सोच रहा है कि इस गीदड़ भभकी से भारत डर जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा उसने पहली बार नहीं किया, पहले भी वो ऐसा कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चीनी जनता ने ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन की हरकत के बाद भारत की जनता में तो गुस्सा है ही, साथ ही कई बड़े देश भी भारत के साथ आकर खड़े हो गए, जिसे देखकर भी चीन डरा डरा सा महसूस कर रहा है, जिसके कारण वो ऐसी गंदी हरकत पर उतर आया। आपको बता दें कि चीन ने जैसे ही भारत पर हमला किया उसके बाद ट्रंप ने भारत का पक्ष लिया तो चीन हिल गया, जिसके बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करते हुए कहा, अमेरिका भ्रम फैला रहा है, भारत के साथ अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों की पीठ है, कुछ भारतीय बाजीगर सेना चीन के साथ संघर्ष को भड़काने में तेजी से अतार्किक कर रहे हैं, जिसका परिणाम आंशिक रूप से अमेरिका अस्थिरता और प्रोत्साहन है। देखा, चीन की हालत खस्ता दिखाई दे रही है, यहां तक कि चीन के नक्शे में दिखने वाले ताइवान और हांगकांग के लोगों ने भी भारत का समर्थन कर दिया है। ताइवान न्यूज ने सोशल मीडिया लीकेजी पर शेयर हो रही एक तस्वीर को फोटो ऑफ द डे बताते हुए ट्वीट किया, जिसमें भगवान श्री राम ड्रैगन को बाणों से मार रहे हैं। अब जरा आपको दिखाते हैं कि चीन ने जैसे ही सेना का वीडियो बनाया उसके बाद वहां की जनता ने कैसे भारत के समर्थन में आकर चीनी आर्मी पर सवाल उठा दिए। झांग फुचून कहते हैं, चीन की सेना वीडियो शूटिंग और टिकटॉक बनाने में माहिर है, कोई मुकाबला का अनुभव उन्हें है नहीं, युद्ध की कोई रणनीति नहीं है। लिली सुंग कोनो कहते हैं, मत करो युद्ध की तैयारी, भारत ने पहले ही अपना बदला ले लिया और अब की बार अगर उस पर हमला किया तो हमारी धज्जियां उड़ा देगा। जेनिफर जेंग कहते हैं, क्या मिला युद्ध करके, हमारी भी आर्मी के जवान मारे गए और भारत की आर्मी के भी, नुकसान दोनों देशों का हुआ है, बात को सुलझाने का प्रयास करें ना कि वीडियो डालें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, शांति से विवाद को सुलझाएं। जिंग तियान कहते हैं, इस ताकत का क्या फायदा जो आप वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं, भारत और चीन हमेशा से अच्छे मित्र रहे हैं, तो क्या बैठक करके इस बात का हल नहीं निकल सकता था। लयू शीशी कहते हैं, बंद करो ये टिकटॉक वीडियो बनाना, अगर लड़ने का मन है तो सीधा हमला करो, यहां समय खराब करने से अच्छा है टक्कर की लड़ाई करें, और अगर नहीं कर सकते तो चुप बैठे, ये फिल्मी वीडियो ना बनाएं। वाकई चीनी जनता ही बोल रही है कि फिल्मी वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, जो आप हर रोज वीडियो डालकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, भारत इन वीडियो से नहीं डरता, भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है और हमला भी आंख से आंख मिलाकर ही होगा, और इस हमले से पता चलेगा चीन को कि आखिरकार उसने कितनी बड़ी गलती की। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, मुद्दों की बात करता है, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी नहीं दबाई तो आप घंटी दबा लीजिए। आगे फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।